जय हिंद दोस्तों सो so, कुछ दिनों से कुछ इश्यूज चल रहे थे अपलोडिंग टाइम uh, से नहीं हो पा रही थी या फिर uh, मैं भी uh, जैसे मैंने बताया कुछ uh, बाहर थी बाहर हूँ इनफैक्ट और बट द मेजर इशू वॉज द क्रैश ऑफ द गैजेट विच आई वॉज यूजिंग और uh, उस वजह से सब कुछ टाइमली नहीं हो पा रहा था आई वॉज ट्राइंग डूइंग एवरी थिंग डे एंड नाइट बट एक सिंगल वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही थी एंड दॉज अ वेरी यू नो काइंड ऑफ क्योस हो गया था बट टुडे आई ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग एंड आई होप अब अब कोई इश्यूज़ नहीं आने चाहिए सो हंड्रेड टेन क्वेश्चन तक हमने इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर लिए थे आज पॉसिबली ये पूरा ही चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा ठीक है दूसरा आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि प्लेलिस्ट को जाके देखिए चेक कीजिए प्लेलिस्ट आपके पास हिस्ट्री कॉलोजी की पूरी प्ले है और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम जोग्राफी भी करेंटली रन कर रहे हैं एंड साथ ही साथ वी हैव स्टार्टेड द आई दृष्टि करंट अफेयर्स और ये सारा ही थोड़ा हेवायर हो चुका था थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता अभी तक बट बिकॉज ऑफ दिस नहीं बन पाया सो मैंने कल एक पोस्ट भी इसी लिए बिकॉज आई कुड नॉट डू एनी थिंग एल्स सो आई हैव पोस्टेड फॉर यू की जिसमें मैंने बताया था कि इशूज़ क्या हैं सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट हैपन्स समटाइम्स वेन यू आर वर्किंग विदाउट अ टीम सो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड let's start with the बिगिन द क्वेश्चन question नंबर वन 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 चलिए तो बताना है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन ही अभी तक चल रहा था तो आपको बताना है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कौन नहीं है तो पोलैंड उसका मेंबर नहीं है मतलब 97 में जब ये क्वेश्चन था तब नहीं था 2004 में ये बना अभी दो सत्ताईस कंट्रीज इसके मेंबर हैं एंड यूनाइटेड किंगडम ने विड्रॉ uh, कर लिया था थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी में यूरोपियन स्टेबिलिटी मेकानिजम समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज़ एन यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है तो ये एक एजेंसी है ई यू की जो कि क्या करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल um, असिस्टेंस देता है किसको यूरोजोन कंट्रीज़ को ठीक है सो यूरोप दिस यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है यूरोजोन कंपनीज को कंट्रीज़ को सो यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म ये बना था 2022 में दिस इज़ अ सक्सेसर ऑफ यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी जो कि हेल्प करता है यूरोजोन कंट्रीज़ को इन सीवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस साथ ही साथ ही फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है यूरोजोन कंट्रीज़ को और ये परमानेंट एजेंसी है जो कि लोकेटेड है कहाँ पर लगजमबर्ग में द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी इज सीन इन द न्यूज़ इन द इन द न्यूज़ रेफर्स टू सो इट रेफर्स टू ई यूरोपियन यूनियन सिंगल डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी क्या है ये इट इज़ अ पॉलिसी विच इज़ बिलोंगिंग टू यूरोपियन सिंगल मार्केट ठीक है जो कि क्या कवर करता है डिजिटल मार्केटिंग कवर करता है ई कॉमर्स कवर करता है साथ ही साथ टेली भी कवर करता है <coughs> ये अनाउंस हुआ था मई 2015 में जंकर कमीशन के द्वारा तो देखिए जंकर कमीशन भी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है पॉसिबिलिटी होती है तो ये अनाउंस हुआ था मे 2015 थाउजेंड फाइव फिफ्टीन में जंकर कमीशन के द्वारा और ये डिजिटल एजेंडा फॉर यूरोप ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोग्राम का पार्ट है जो कि यू का एक इनिशियेटिव है इट इज़ डिफाइंड बाय अ डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी फॉर यूरोप बाई यूरोपियन कमीशन द थ्री सेट पिलर्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी आर एक्सेस टू ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंडीशन फॉर डिजिटल नेटवर्क एंड सर्विसेज टू ग्रो एंड थ्राइव एंड ग्रोथ ऑफ़ द यूरोपियन डिजिटल इकोनमी ठीक है नेक्स्ट uh, देखते हैं द फाओ अकॉर्ड्स द स्टेट्स ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम ग्यास टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम ओवरऑल गोल क्या है इस इनिशिएटिव का कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्यास जो है इसका ओवरऑल इनिशिएटिव क्या है तो so, नाम देखिएगा इसका ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम ठीक है अब यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं क्या इसमें से सही है तो क्या इसका मेन एम ये है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे ट्रेनिंग दे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे लोकल कम्युनिटीज़ को ऑफ आइडेंटिफाइंगटली एनहेंस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं ये इसका काम नहीं है मेन एम इसका नहीं है <laughs> दूसरा है टू आइडेंटिफाई एंड सेफ कार्ड द इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस एंड देर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स एग्रीकल्चर बायोडावर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज बिल्कुल क्योंकि ये बात ही कर रहा है एग्रीकल्चर हेरीटेज सिस्टम की बेसिकली ठीक है तो हेरीटेज uh, का बनना जाओ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो थर्ड है टू प्रोवाइड ज्योग्रफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू द वैराइटीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आईडेंटिफाइड गैस तो भाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस देना इसका काम नहीं है ठीक है तो ये इसका ओवरऑल गोल नहीं है सो सेकेंड ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन गैस इनिशिएटिव ऑज स्टार्ट बाय एफ ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन इन टू थाउजेंड टू किस लिए टू मिटिकेट द थ्रेड फेस्ड बाई दीज सिस्टम्स एंड द पीपल टू एनहेंस द बेनिफिट्स डिराइव फ्रामीज इकनॉमिक दीज डायनेमिक सिस्टमस दीज आर आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप्स ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी जो कि एग्रीकल्चर बायोडावर्सिटी को कम्बाइन करते हैं रेजिलियंट इको को साथ ही साथ एक वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज भी ये प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड ईको फ्रेंडली ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो अभी भी चली आ रही हैं जो पुराने टाइम की ईको फ्रेंडली ट्रडिशनल प्रैक्टिस या अभी भी किसी ने कुछ नया आजाद किया है तो भाई वो भी इसमें आते हैं सो एंड देर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्यूनिटीज़ तो कुल मिला के जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसज हैं उसको आ, रिवाइव करना एक तरीके से इसका काम है हंड्रेड आई एल ओ एनअल कॉन्फ्रेंस हैज़ डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तो इन्होंने डिसाइड किया है कि डोमेस्टिक वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी ये क्वेश्चन है टू थाउजेंड टेन का और ये पुराना ही डेटा है सारा डेटा मतलब कि पुरानी न्यूज़ है उस समय हंड्रेड सेशन हुआ था आई एल ओ का तो देखिए हंड्रेड सेशन था हंड्रेड ईयर नहीं था ध्यान दीजिएगा ठीक है हंड्रेड सेशन था हंड्रेड ईयर कब हुआ हंड्रेड एनिवर्सरी तो इसकी मनाई गई 2019 में क्योंकि ये 1919 -19 में बनाया गया था आयलो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है जेनेवा में है <coughs> और 2019 में आइलो की हंड्रेड एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी साथ ही साथ ये एक स्पेशलाइज एजेंसी भी बन गया था यूनाइटेड नेशन का नाइनटीन में ठीक है तो ये बनाया गया था 1919 में अंडर द लीग ऑफ नेशंस एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन वहाँ पे ख़त्म होता है एंड uh, फिर so 2019 में इसकी हंड्रेड एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 एटी टू आर रिलेटेड टू सो दे आर रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर मार्च 2017 में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर रेटिफिकेशन ऑफ़ द टू फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ आएलो नेमली मिनिमम एज कन्वेंशन वन एंड कंसर्निंग मिनिमम एज फॉर दिस इज़ फॉर कंसर्निंग मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट मतलब काम पे कितना मिनिमम एज जाने के लिए काम सॉरी काम पर जाने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए ये बेसिकली इसमें डिस्कस होता है एंड दूसरा है वन एट्टी टू जो कि ये बोलता है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड इमीडिएट एक्शन फॉर द सॉरी वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन दिस इज़ वन एट्टी टू सो इट इज़ कंसर्निंग अबाउट द प्रोहिबिशन एंड इमीडिएट एक्शन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर भाई कहीं कहीं जो बाल मजदूरी है वो दैट इज़ ऑल्सो इन अ वेरी वर्स्ट फॉर्म तो उसको ये आइडेंटिफाई करने का इसका काम है जून 2017 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने दे डिपॉजिटेड विद आएल ओ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन कहने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि इंडिया ने रेटिफाई किया है इन दोनों क्लॉज को ठीक है uh, <coughs> इन दोनों कन्वेंशन को बेसिकली सो कंसर्निंग द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आएलो जो कि उन्नीस सौ उन्नीस में बना था टू इंटीग्रेट द कल्चरल लीडर्स इन टू इट्स मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्रिस्टल अवार्ड्स कल्चरल लीडर्स को अपनी मीटिंग्स में इंटीग्रेट करने के लिए कौन सी एजेंसी क्रिस्टल अवार्ड देती है तो ये जो एजेंसी है इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है क्रिस्टल अवार्ड सेलिब्रेट करता है अचीवमेंट ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट तो ऐसे लोग जो लीडिंग uh, आर्टिस्ट के फॉर्म में हैं किसी भी देश में या कल्चरल फिगर्स हैं कहीं पर जिनकी लीडरशिप लोगों को इंस्पायर करती है टू ब्रिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल चेंज उनको दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड उनको चुना जाता है एनुअली दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली देता है ये और ये 2020 में दिया गया था दीपिका पादुकोण जी को एंड इट वाज अमंग द विनर्स ऑफ ट्वेंटी सिक्स क्रिस्टल अवार्ड टू थाउजेंड मी एक्चुअली मेरा थ्रोट सही नहीं हो रहा है सो इट इज द वॉइस इज ऑल्सो अ क्रैकी बिट क्रैकी एंड इट्स पेनिंग अलॉट आई एम ट्राइंग हार्ड कि जिस टाइम क्लास हो उस टाइम खासी नहीं आए बट दिस इज़ यू नो नेचुरल फिनमिना एनी वेज तो ये दीपिका पादुकोण जी को दिया गया था ट्वेंटी ट्वेंटी में किस लिए दिया गया था फॉर हर लीडरशिप इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यू इलनेस तो देखिए उन्होंने डिस्कस किया था बेसिकली जो इन प्लेटफॉर्म्स पर आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आके बाकी भी किसी तरीके से किया होगा बट वॉट आई हैव ऑब्जर्व वॉट आई हैव सीन कि उन्होंने अपनी मेंटल इल्... मेंटल इलनेस ही बोल डिप्रेसिंग स्टेज पे जिस पे वो थे उसके बारे में आ, मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने जागरूक किया था कि भी डिप्रेशन भी एक मेंटल हेल्थ का ही स्टेटस है जिसको हमारी सोसाइटी बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर एक्सेप्ट का बोलें या फिर आ, ये बोल सकते हैं कि नहीं पता ही नहीं कि डिप्रेशन भी कोई चीज़ है बेसिकली बट डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इलनेस में भी बदल सकती है एक डिसीज में भी बदल सकती है अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ओपनली आके उन्होंने अपनी पर्सनल जो स्टोरी है उसको भी नरेट किया और उसी की वजह से उनको क्रिस्टल अवार्ड मतलब आ, दिया गया बिकॉज शी वॉज कंसिडर्ड एज अ कल्चरल एंड लीडिंग आर्टिस्ट ठीक है नेक्स्ट यू एन एस सी स्टैंड फॉर भाई अब इससे इजी क्वेश्चन प्लीज मत एक्सपेक्ट कर लेना कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड डू नॉट आस्क मी टू एक्सप्लेन बिकॉज uh, चलिए बता देते हैं यू एन एस सी जो सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन की उनमें से एक है ये सब आपको पता है बेसिकली जब आप यूनाइटेड नेशंस पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें इनिशियली आपको पढ़नी ही होती हैं सो so, ये इसका काम क्या है इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू यू एन मेमर्स टू जनरल असेंबली साथ ही साथ अप्रूविंग एनी चेंजेस टू द यू एन चार्टर इसमें पाँच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट मेम्बर्स होते हैं जो पाँच परमानेंट मेम्बर्स हैं वो देख लीजिए चाइना यू एस ए फ्रांस रशिया यू के ठीक है चाइना यूएसए फ्रांस रशिया यू के नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो दस होते हैं और ये रीजनल बेसिस पे दो साल के लिए चुने जाते हैं हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यू एन ओ हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यू एन ओके तो परमानेंट तो पांच ही हैं दस होते हैं टोटल नॉन परमानेंट मैच द फॉलोइंग डब्ल्यू टी ओ आई एम एफ साक आई टी ए अच्छा ऑल राइट ओके तो देखिए ये बोल रहे हैं कि टू प्रोवाइड फाइनेंस टू करेक्ट इक्लिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है ये कौन करता है तो ये करता है आई एम एफ जनरली टू फॉरबिड द यूज ऑफ क्वानिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड ट्रेड की कोई भी बात आ रही है तो डब्ल्यू टी ओ सेंशन ऑफ सॉफ्ट लोन्स टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज तो ये भी क्लियर है फोर का हो जाएगा सार्क दैट इज टू प्रमोट द कॉपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज एंड सेंशन ऑफ सॉफ्ट लोन्स ये करता है आई डी एल राइट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी आई एम एफ सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई एम एफ सी डिस्कस मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनमी एंड एडवाइजेज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर इन आई एम एफ सी मीटिंग तो दोनों ही इसमें सही हैं आई एम एफ सी एडवाइस देता है एंड एंड रिपोर्ट्स टू द आई एम एफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑन द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम सो इट इंक्लूड्स रिस्पॉस टू अन फोल्डिंग इवेंट्स दट मे डिस्िटर्ब दिस्टम आई एम एफ सी यूजली दो बार मिलता है साल में मीट्स ट्वाइस अ ईयर एंड इट हैज ट्वेंटी फोर मेम्बर्स कमिटी यूजअली डिस्कस करती है द मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकॉमी एंड ऑल्सो एडवाइजेज द आई एम एफ ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क साथ ही साथ आई एम एफ सी का कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है इन प्रैक्टिस इट हैज बिकम अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजी डायरेक्शन टू द वर्क एंड पॉलिसीज ऑफ फंड मैंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर इन द आई एम एफ सीज मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वाटर्स इज करेक्ट यू एन ओ लंडन डब्लू टी ओ जी जिनेवा आएल रोम फाओ जेनेवा देखिए आयलो का तो जेनेवा में है और फाओ का रोम में है तो ये तो हो गए गलत देन यू एन ओ का न्यूयॉर्क में है तो ये भी गलत हो गया <coughs> फिर बचता है डब्ल्यू टी ओ द करेक्ट वन इज डब्लू टी ओ जिसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में हाउ मनी मेबर्स ऑफ यू एन ओ आर देर तो टोटल मेबर्स देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था वन नाइन्टी वन थे अभी वन नाइन्टी थ्री हो गए हैं टोटल सो वन नाइन्टी सेकेंड जो है वो है मॉन्टेगरो बना था दो हज़ार छः में और वन नाइन्टी थ्री जो है वो बना था साउथ सूडान सो रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान दैट इज़ द वन नाइन्टी थर्ड मैंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन मीगा दैट इज़ मल्टीलिटर इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है आई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आई ये भी है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बी आई एस देखिए बी आई एस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आई मीन इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन बी आई एस इज़ नॉट रिलेटेड टू यू एन बी आई एस एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ग्लोबल मॉनिट्री और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एंड द पॉलिसीज मल्टी लेट्रल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट दीज आर दूनिट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप सो देर रिलेटेडेड टू यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम और इसका एक फॉर्मल रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी है यू एन के साथ बट इसकी खुद की एक इंडिपेंडेंस uh, भी रिटेन करता है एंड इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज ब्राज़ील साउथ अफ्रीका मैक्सिको आपको बताना है अकॉर्डिंग टू अंकटार्ड टार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज इमर्जिंग इकोनॉमीज दो हजार दस में इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन थी अब हमारे लिए उतना काम का नहीं है हालांकि उस समय तीनों थी नेक्स्ट इज <coughs> <coughs> विद रेफरेंस टू एशिया पेसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एपीएमसी एच यू डी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द फर्स्ट ए पी एम सी एच यू डी वॉज हेल्ड इन इंडिया इन टू थाउजेंड सिक्स ऑन थीम इमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स पॉलिसी रिस्पॉन्सिस एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर साथ ही साथ इंडिया होस्ट ऑल द एन्यूअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसिस इन पार्टनरशिप विद ए डी बी ए ए पी ई सी एंड आसियान सो विच ऑफ़ द स्टेटमेंट्स गिवन अबर इज और करेक्ट तो एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है देखिए पहले वाले में क्या इशू है पहले वाले में ये तो बात सही है कि पहला जो है वो इंडिया में हुआ था 2006 में हुआ था बट ये इसकी थीम नहीं थी तो अब आप ये बोलोगे कि भाई इतनी थीम कैसे याद रख सकते हैं बिल्कुल सही बात है नहीं रख सकते और रखनी भी नहीं चाहिए अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी आई में पूछा गया है तो मे भी उसके पीछे कोई लॉजिक रहा होगा या उस समय न्यूज़ में रहा होगा आई एव नो आइडिया बट स्टिल देखिए क्या है कि इतनी थीम्स आपको याद नहीं रह रही हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन आप उन्हीं क्वेश्चन की कैटेगरी में डालिएगा इनिशियली कि अगर आपको ये याद है देखिए क्या होता है कन्फ्यूजन तब सबसे ज़्यादा होगा अगर आपको ये ही नहीं पता कि ये पहला इंडिया में हुआ था तो तो कन्फ्यूजन ही खत्म हो गया ठीक है कि भाई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो कम गलत होने के चांसेस या सही होने के जो भी है आप अपने एक जोन में रहते हैं बट आपको ये तो पता है कि दो में हुआ था देन यू विल थिंक अबाउट कि नहीं यू इज़ नॉट गोइंग टू आस यू नो रॉन्ग थीम तो ईयर के साथ कुछ कर सकती थी या कुछ कर सकते रॉन्ग थीम कौन पूछेगा आप सबके दिमाग में आता है बट ये रॉन्ग थीम है बेसिकली तो इसलिए ये आंसर गलत है इसका सो ट्राई टू बेसिकली इन द फर्स्ट को ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो आता है और याद है तो तो फिर भाई बहुत अच्छी बात है बट अदरवाइज़ थोड़ा सा पहले स्किप करो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो अगर लग रहा है कुछ निकल रहा है बेनिफिट तो ठीक है नहीं तो सोच के सेकेंड थर्ड राउंड में आपको जैसे लगे ठीक आप वैसे कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि भाई क्वेश्चन आप अब आप पूछोगे सारी थीम्स याद रखें नहीं बिल्कुल नहीं सारी थीम्स मत याद रखो आप याद रख भी नहीं सकते हो और सो right. so ये ठीक है जैसे इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था एक बार अम, हमारे यहाँ उस समय जो थीम थी वो सबके जबान पे रट गई थी वह बहुत छोटी थीम थी और इन पहली बार हुआ था तो दैट वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ठीक है अगर वैसा क्वेश्चन आ रहा है सबके जबान पे रटा हुआ है अभी 2006 का क्वेश्चन है तब तो हम में से किसी ने यूपीएससी पी एस छोड़ी स्कूल से नहीं निकल पाए थे तो वो नहीं याद रहेगा आपको और राइट सो इसके लिए पैनिक नहीं होना है सेकेंड स्टेटमेंट सही है सॉरी गलत है और इंडिया होस्ट ऑल द देखिए पहली बात तो एनुअल एंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नहीं है बाइनीली होती है दो साल में एक बार होती है और सारे इंडिया ने होस्ट किए ये भी गलत है सो इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मीटिंग एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद ए डी बी ए पैक एंड आसियान नो सो फर्स्ट इंडिया पेसिफिक मटीरियल मिनिस्ट्रीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये नई दिल्ली में हुआ था दिसंबर में दो हज़ार छः में अंडर द थीम ऑफ अ विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसिफिक ट्वेंटी ट्वेंटी सो स्टेटमेंट वन हो जाता है करेक्ट स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ए पी एम सी एच यू डी एक बाइनल इवेंट है ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस है जो कि टू थाउ सेकेंड कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड एट में uh, ये तेहरान में हुई थी फिर थर्ड जो हुई थी वो सोलो फोर्थ एंड अम्मान जॉर्डन तो इस तरीके से हुई हैं और उसके बाद सिकस्थ <coughs> तो जो है फिर से न्यू डेली में होती है सेवेंथ तेहरान में होती है ठीक है सो स्टेटमेंट टू भी गलत हो जाता है स्टेटमेंट टू गलत होता है ये इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्वियसली विथ रेफरेंस टू ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पेसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया इट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मेरी टाइम सिक्योरिटी ओनली ठीक है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है इट इज़ अमंग ऑल द पैसिफिक कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है मेरी सिक्योरिटी के लिए ही तो इनमें से एक भी सही नहीं है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है इट वॉज प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट अमंग इट अमंगज़ प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट अमंग ट्वेल्व पेसिफिक ओके तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है ये प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट था बारह पैसिफिक रिम कंट्रीज़ के बीच में जो कि साइन हुआ था चार फरवरी दो को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड में ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि एक फुली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एरिया इस्टेब्लिश किया जाए एंड कंसिस्टेंट रूल्स होने चाहिए उसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट uh, के टी पी पी वो साइन ऑस्ट्रेलिया ब्रोनी कैनाडा चिली जापान मलेशिया मैक्सिको न्यूजीलैंड पेरू सिंगापुर एंड यूनाइटेड स्टेट्स लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो यू को टी से बाहर ले, ले लेते हैं वापस निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है अब रह जाते हैं ग्यारह मेम्बर्स तो रिमेनिंग एलेवन कंट्रीज़ ने एक नया ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट किया जिसको साइन हुआ था आठ मार्च को दो और इसको नाम दिया गया कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या फिर इसको टी पी पी इलेवन भी बोला जाता है विच इनकॉर्पोरेट मोस्ट ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ टी पी पी एंड विच एंटर्ड इन टू फोर्स ऑन थर्टी एट डिसम्बर ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ फंडामेंटल इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट तो आप्टा का मेंबर कौन नहीं है सो so देखिए म्यांमार इसका मेंबर नहीं है आप्टा का और uh, um, ये बेसिकली क्या है ये जो आ, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है ये ठीक है नवंबर 2005 में ये रीनेम किया गया था इसको बैंकॉक एग्रीमेंट था इसका पहला नाम जो कि साइन हुआ था 1975 में फिर उसको रीनेम करके ये किया गया और ये एक तरीके का प्रेफरेंशियल टेरिफ एग्रीमेंट है जो कि इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है उसको प्रमोट करता है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअली एग्रीड कंसेशन बाय द ब्रिटिश कंट्रीज बाय द मेम्बर कंट्रीज बेसिकली मेंबर्स जो हैं वो कौन हैं बांग्लादेश चाइना इंडिया साउथ कोरिया लाओ पी मंगोलिया एंड श्रीलंका श्रीलंका म्यांमार इसका इकलौता मेंबर जो है आपटा का वो नहीं है इनमें से थर्टीनथ नैम कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन फिफ्टी फाइव सॉरी थर्टीनथ नैम कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फिफ्थ फेबररी टू थाउजेंड थ्री आई थिंक गले के साथ मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है सो इट वॉज़ ऑर्गेनाइज एट सो ये 2003 की बात है क्वालालमपुर में ऑर्गेनाइज़ हुआ था नेक्स्ट देखते हैं द मेन एम्फेसिस ऑफ ओपेक पेट्रोलियम एंड एक्स ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओके सो ये इनका जो बेसिकली मेन एम्फेसिस था वो प्रोडक्शन पे भी था और उसके प्राइसेस भी कंपेरेटिवली लो रहे इस पर भी था ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक सो चाइना इंडोनेशिया दोनों ही इसके मेम्बर नहीं हैं ओपेक के ठीक है सो <coughs> ओपेक so, जो है ये बना था बगद, आ, बगदाद इराक में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी में पाँच कंट्रीज के द्वारा इनका नाम था ईरान इराक कोवैत सऊदी और वेनेजुएला, ठीक है सो ईरान इराक कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला और ये फाउंडर मेंबर्स हैं ओपेक के ओपेक सिंस uh, 1965 सिक्सटी फाइव इसका हेडकोर्टर वियना में ही है। एट प्रेजेंट ओपेक में टोटल थर्टीन मेंबर्स हैं बेसिकली ईरान इराक कुवैत, सऊदी वेनेजुएला जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसके अलावा लेबिया यूनाइटेड अरब एमरेट एलजीरिया नाइजीरिया गैबन गोला कॉन्गो फ्राम टू थाउजेंड एटीन ओके इक्विडोरियल गिनी टू थाउजेंड सेवेंटीन से कतर ने टर्मिनेट कर दी थी अपनी मेम्बरशिप दो हज़ार उन्नीस में एक जनवरी से उसके बाद बेसिकली इक्वेडोर ने भी डिसाइड किया था कि विदड्रॉ करेगा ओपेक से इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी इंडोनेशिया ने सस्पेंड की थी अपनी uh, बेसिकली uh, मेम्बरशिप तीस नवम्बर दो हज़ार सोलह को सो so, जब क्वेश्चन पूछा गया था इंडोनेशिया मेंबर था लेकिन अब नहीं है ठीक <coughs> है विच ऑफ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन सार्क सार का मेंबर कौन नहीं है तो थाईलैंड नहीं है uh, सार्क जो है वो 1985 में ढाका में बनाया गया था सात फाउंडिंग मेंबर्स थे इनके ठीक uh, है नेक्स्ट वैन वॉज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोरेशन साग वैन वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन एस्टेबलिश तो कब इस्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन एटी फाइव में ढाका में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ साग कम्बोडिया इसका मैंबर नहीं है इन इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द साकबर्स कंट्रीज इज सिटेटेड एट तो ये कहाँ पर है ये हापुड़ में है ठीक है हापुड़ में है ये ओरिजनली uh, इस्टेब्लिश हुआ था ग्रेन स्टोरेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे हापुड़ में 1958 में देखिए नेक्स्ट इज़ इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सार्क मीट वॉज ऑर्गेनाइज पहली बार सार्क मीट ऑर्गेनाइज़ हुई थी 1986 में सो साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इज रीजनल इंटरगोर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ ही साथ एक जियो पॉलिटिकल यूनियन भी है ये ऑफ द स्टेट्स इन साउथ एशिया इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मॉलिवस नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका द सार्क फॉर फाउंडेशन ढाका ऑन एट दिसंबर नाइनटीन एटी सिक्स इसका जो बेसिकली सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू में बेस्ड है नेपाल आ, में मतलब इसका क्वार्टर है बेसिकली ये आप याद रखिएगा और इसकी जो एटीनथ समिट हुई थी वो हुई थी 2014 में काठमांडू नेपाल में ही आ, पाकिस्तान वॉज केड्यूल्ड टू होस्ट द नाइनटीन समिट ऑफ़ द सार्क इन इस्लामाबाद ऑन फिफ्टी सिक्सटीन नवंबर बट ये कैंसिल हो गया था ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट तो देखिए सार का अलग है बाकी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सार के एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज द ब्रिक्स समिट टू थाउजेंड नाइनटीन शेड्यूल टू बी हेल्ड तो दो हजार उन्नीस में कहाँ होने वाली थी सो इट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील टू थाउजेंड नाइन्टीन ब्रिक्स समिट वॉज द इवेंट इलेवेंथ एनअल ब्रिक्स समिट जो कि दो हजार उन्नीस में ब्राज़ीलिया में हुआ ब्राज़ील में एंड ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्थ ब्रिक्स सबमिट वो ओरिजनली शेड्यूल विथ टेक प्लेस इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी बट इट वॉज चेंज टू अडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच वॉज हेल्ड ऑन सेवेंटीन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल नाइनटीन पेंडामिक मतलब कोविड नाइन्टीन पैंडमिक बेसिकली सो इंडिया एज बेसिकली इंडिया ऑन नाइन्थ सितंबर में डिजिटल फॉर्मेट में हुआ था इंडिया में थर्टींथ मीटिंग जो हुई थी इसकी थीम हमने रखी थी ब्रिक्स एट द रेट फिफ्टीन इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन देखिए के बीच में थोड़ा ब्रेक आ रहा है मैं थ्रोट को थोड़ा सीजल करने की कोशिश करती हूँ <coughs> इसलिए वीडियो में थोड़ा सा रुकाव आ जाता है ठीक है सो नेक्स्ट इज़ विथ रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहली जो समिट थी ब्रिक्स की वो रियो डिजिनेरिया में हुई 2009 हजार नौ में um, ठीक है दूसरा है साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट टू जॉइन द ब्रिक्स कंपनी ठीक है सो so, बी इसमें सही है लेकिन फर्स्ट जो है वो सही नहीं है um, देखते हैं तो देखिए ब्रिक्स क्या है ये एक एक्रोनिम है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका के लिए ब्रिक्स मेंबर नोन एज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द रीजनल अफेयर्स ओरिजिनली फर्स्ट फोर ग्रुप एज ब्रिक पहले ब्रिक थे ये ठीक है साउथ अफ्रीका नहीं था बिफोर द इंडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका इन टू लीडर्स जो थे ब्रिक के वो पहली बार मिले थे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एंड ऑन द मार्जिन्स ऑफ जी एट आउटरीच ठीक है ऑन द मार्जिन्स ऑफ जी एट आउटरीच सो शॉर्टली इसके बाद क्या हुआ सेप्टेंबर टू थाउजेंड सिक्स में ग्रुप फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया एज ब्रिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ब्रिक फॉरन मिनिस्टर मीटिंग जो कि uh, मिले थे ऑन द जनरल डिबेट ऑफ यू एन असेंबली जो हुआ था उस टाइम पर फिर बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग्स हुई और फर्स्ट ब्रिक सबमिट बेसिकली जो हुआ था वो ये कैटरनी ये कैटरिन बर्ग में हुआ था जो कि रशिया में ही है uh, इसको कुछ और प्रोनाउंस करते हैं आई थिंक ये गलत है बट uh, ठीक है पी के लिए एंड ऑन सिक्सटीन जून 2009 थाउजेंड पे यहाँ पर हुआ था सिंस uh, 2009 थाउजेंड जो गवर्नमेंट्स थी ब्रिक्स की दे हैव स्टार्टेड मीटिंग एनुअली और फॉर्मल समिट्स पे मिलने लगी ब्रिक ग्रुप हैज रीनेम्ड एज ब्रिक्स ब्राज़ील साउथ अफ्रीका ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका जब साउथ अफ्रीका को एक्सेप्ट कर लिया गया था एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिक्स द फर्स्ट फाइव मेंबर ब्रिक्स समिट ये हुई थी सान्या चाइना में और 2011 में और इंडिया ने होस्ट किया था सब मोस्ट रीसेंट ब्रिक्स समिट सेप्टेम्बर टू सितंबर 2009, ठीक है मतलब वर्चुअली जो हुआ था इन विच ये ब्रिक ग्रुपिंग वॉज फॉर्म ड ब्रिक्स तो ये बन गई थी 2010 में द फर्स्ट एवर सबमिट ऑफ ब्रिक कंट्रीज ये हुआ था चाइना में फर्स्ट एवर सबमिट ऑफ ब्रिक कंट्रीज वॉज हेल्ड इन चाइना साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ब्रिक ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज तो ये भी पुराना क्वेश्चन है देखिए उसमें इतना काम का नहीं है अभी हमारे लिए होस्ट कंट्री ऑफ नाइन्थ ब्रिक समिट अब नाइन्थ ब्रिक समिट 2016 हज़ार सोलह या पंद्रह का में भी हो सकता है ये तो नाइन्थ ब्रिक समिट जो है वो हुई थी दैट इज़ चाइना में जियामिन में दो हज़ार सत्रह में और इंडिया ने मोस्ट रिसेंटली जो दो हज़ार इक्कीस का जो था वो होस्ट किया था बाया द वर्चुअल स्पेस विच बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन चाइना बाय द ब्रिक्स कंट्रीज सो इट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड डी बी कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर शंघाई इफ एम नॉट रॉन्ग येस इसका हेडकुआटर है शंघाई में सो न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मली इसको रेफर किया जाता है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के तौर पर ये एक मल्टीलेट्रल डेवलपमेंट बैंक है जो कि स्टैब्लिश की है ब्रिक्स कंट्रीज ने ड्यूरिंग द दिक्सथ ठीक है ड्यूरिंग द सिक्स ब्रिक्स समिट इन फर्टिलाइजर द लीडर साइंड द एग्रीमेंट फॉर स्टेबलिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक उन्होंने बोला कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे 2015 में ये फोर्स में आती है और बैंक में इनिशियल ऑथोराइज कैपिटल होगा यूएस डॉलर 100 बिलियन का ठीक है बाकी देखिए ठीक है ठीक है <coughs> मैंने मन में ही पढ़ लिया बाकी आप पढ़ लीजिएगा बेसिकली <laughs> कहने का मतलब ये कि बैंक का हेड क्वार्टर शंघाई में है जो फाइव फाउंडिंग मेंबर्स हैं एनडीबी के वो भी वही सेम ही है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका सेकंड सितंबर 2021 को एनडीबी अप्रूव किया था द एडमिशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम द एडमिशन ऑफ बेसिकली इट अरब एमिरेट्स औरगवे एंड बांग्लादेश एज इट्स फर्स्ट न्यू मेम्बर्स दिसंबर दो हज़ार इक्कीस में एन डी बी एडमिटेड इजिप्ट एज इज मम्बर्स ऑल्सो सो नेक्स्ट देखते हैं काफी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ मिन सेटअप बाई ए पी ई सी एंड हेडकोार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई तो देखिए इसमें सिर्फ दूसरा ही सही है पहला बार तो ए पी ई सी के द्वारा सेटअप किया गया ये गलत है ठीक है और हेड क्वार्टर जो है वो शंघाई में है तो ये सही है और राइट देखिए अभी थोड़ा सा ब्रेक दीजिए आपको एक और वीडियो मिल जाएगा बट आई वॉन्ट टू गिव रेस्ट टू माई थ्रोट इट इज़ पेनिंग अ लॉट तो एक साथ पूरा नहीं कर रही हूँ थोड़ा दस मिनट के ब्रेक के बाद यू विल गेट एन एन द वीडियो तो आप तब तो तक रिवाइज कीजिए जितना भी कॉम्पनसेशन है इस बीच का जो मैंने नहीं बना पाया किसी भी रीज़न से जो पता है आप सारे Uh, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं देनी चाहिए आपको लगेगा जानबूझ के सो एनी वेज बट ये है कि जो भी रीजन्स की वजह से नहीं हो पाए या गैजेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाए तो उसकी पूरी भरपाई आपको मिल जाएगी सो डो नॉट वरी आपका काम है सिर्फ पढ़ना और रिवाइज़ करना सो कीप ऑन डूइंग दैट डे एंड नाइट पढ़िए रिवाइज कीजिए अभी ज़्यादा बेसिकली uh, जो मिल रहा है अभी आप वो पढ़िए जो अपने एंड से पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए तो बेसिकली कुछ नया या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी ना पढ़ी वो अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है सो कीप रिवाइजिंग कीप लर्निंग कीप स्टडिंग जय हिंद जय भारत